भारतीय स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे भाइयों एवं बहनों, आज हम सब अजमेर जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर यहाँ पर रंगोली प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिससे बच्चों का उत्साह वर्धन हुआ और बच्चों की अलग अलग प्रतिभाएं सामने आ सकी हैं। हमारे अग्रजों के कठोर परिश्रम के कारण ही हमारा समाज आज विकास के पथ पर अग्रसर है। अतः हमारा भी यह दायित्व बनता है कि इसे और तीव्र प्रगति प्रदान करने में मदद करें। इसके लिए आवश्यक है कि सामाजिक कुरीतियों को छोड़कर, दहेज प्रथा, रूढ़वादिता आदि को छोड़कर एक रूप में संगठित होकर हमें समाज के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। समाज के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। किसी भी समाज के उत्थान के लिए सामाजिक एकजुटता, राजनीतिक चेतना एवं शिक्षा की आवश्यकता होती है। अतः जब तक समाज का उत्थान नहीं होगा, तब तक हमारे अधिकारों का हनन होता रहेगा। है धरती सबकी एक सी, है अंबर सबका एक सा, है धरती सबकी एक सी, है अंबर सबका एक सा, है सूरज सबकी एक सी, है लहू का रंग भी एक सा। क्यों धर्म क्यों बदल गए हैं मुल्क सभी, क्यों बदल गए हैं मुल्क सभी, क्यों सरहद की लकीरें खींची हैं, क्यों बदल गए हैं मुल्क सभी, क्यों सरहद की लकीरें खींची हैं, क्यों धर्म बट गए, क्यों नफरत की लकीरें खींची हैं। इसकी अंतर्गति अब इंसान में ना ईमान बचा। किसी भी समाज के विकास के लिए गरीबों की शिक्षा तथा नारी की शिक्षा भी आवश्यकता होती है। समाज शिक्षा के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार ही शिक्षा भी समाज के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है, चाहे वह आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो। शिक्षा के अतः हमारे समाज में अभी तक शिक्षा का विकास धीमी गति से हुआ है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हमें शिक्षा का विकास करना चाहिए। गरीब बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। गरीब बच्चे जो अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। नारी का सम्मान करना एवं उनके हितों की रक्षा करना हमारे इस समाज की सदियों पुरानी संस्कृति रही है। यह एक विडंबना भी है कि भारतीय नारी का आज तक शोषण होता आ रहा है। अब कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। किंतु क्या ऐसा समाज में है? क्या मैं ये प्रश्न करती हूँ, क्या ये ऐसा समाज में है? अतः नारी को भी शिक्षित होना चाहिए, नारियों का भी विकास करना चाहिए। जो नारी अपना दर्द भूलकर दूसरों के लिए जिए वही है एक सशक्त नारी। अतः हमारे समाज में ऐसी कुप्रथाएं हैं, सामाजिक कुरीतियां, दहेज प्रथा भी है जो हमारे समाज को विकास करने से रोकती है। दहेज प्रथा में माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं करते हैं और वह मतलब आगे के लिए ही अपने दहेज की व्यवस्था करते हैं, जिसके कारण नारियां पढ़ नहीं पाती हैं और वह पिछड़ी हुई हो जाती हैं। इसके लिए आवश्यक है, कहा जाता है कि अतः नारियों को हमें शिक्षित करना चाहिए और अतः हमारे यह कर्तव्य बनता है कि नारियों को भी पुरुषों के बराबर हक दिया जाना चाहिए तथा उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।